मोज़रेला चीज़, काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ है। कितनी थिन किस्म की इसकी क्रस्ट है, क्योंकि देख के मज़ा आ रहा है। अब तो खा के पता चलेगा ये क्या चीज़ है। एंड दूसरी डिश हमने मंगवाई भी है पास्ता है, ठीक है, रेड सॉस वाला। सो इसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन पहले हम पिज़्ज़े से स्टार्टअप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है यार, कैसे हो? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है यार। मैं बड़े दिनों से वल्ला बिजी था, गायब हो गया, क्योंकि छोटी सी खुशखबरी आई थी मेरे घर, माशाल्लाह से बेबी बॉय हुआ है। तो उसी चक्करों में आप लोगों का भाई गायब हो गया। आपको तो पता ही है यार, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, सुसु पॉटी फीडर। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमें इन्हीं कामों में कामयाब रखे, हमारे वालदैन ने भी हमारे लिए किए है पार्ट ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यार बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बड़े अरसे बाद मैं तुम लोगों के साथ दोबारा गेट इन टच हुआ हूँ। अभी प्लान बनाया हुआ था मैंने कोई एक हफ्ते से ना एक्सपेक्टेशंस जाने का, लेकिन वो नाश्ते के टाइम पे जाने वाला, एंड पूरी रात जागते जागते गुजर जाती है दिन में सोना, तो लंच या डिनर का कोई सही से ना मज़ा नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा है कि कहीं और चलते हैं, लेकिन आज कुछ ना कुछ शूट करते हैं। सो अदनान जो कि हमारा पुराना क्राइम पार्टनर है पाकिस्तान में, उसने कहा है कि मॉल वन चलते हैं, एमएम आलम पे कह रहा है मॉल वन है, देखते हैं क्या है ये मॉल वन, क्या है उधर खाना ये वो। सो विल गो एंड सी, एंड तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी कर दो यार, इतने अरसे बाद तुम्हारा भाई आया है, जल्दी से उससे बूस्ट अप करो, एनर्जी दो थोड़ी सी, कि उससे उसका आना थोड़ा यू नो वेलकम बैक दो थोड़ा। तकरीबन कोई दो हफ्ते बाद जाकर वापसी हो रही है ना, या शायद तीन हफ्ते बाद। सो नो वरीज, कीप वॉचिंग। आहा, हालांकि इधर पहले भी आया हूँ, लेकिन इतना मजीद अंदर तक नहीं गया मैं। चेक करते हैं कैसा व्यू है, क्या सूरत हाल है। इसको कहते हैं मॉल वन, ये मॉल वन है, है? और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, जाकर चेक करवाते हैं। लग तो अच्छा रहा है बाहर से एक्सटीरियर वगैरह। सो दिस इज द ब्रेसरी, सीम्स इंटरेस्टिंग। अंदर जाकर खाना चेक करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसा लगा। हमारे यार समझ नहीं आ रही इससे क्या चूज करके खाएं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, किसी को बुलाकर पूछते हैं इनका सबसे बेस्ट क्या है। यार एक हमने इनका ये ब्रेसरी स्पेशल कर दी है, 1400 का है, इसमें है टर्की बीफ चिकन कॉम्बिनेशन वगैरह, सुना है बड़ा तबाइक है। दूसरा हमने एक रेड सॉस, पहली दफ़ा आया हूँ इस रेस्टोरेंट में, तो चेक करते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। वैसे तो इस जगह पर आया हूँ, ये मॉल वन है, मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी जगह होगी, क्योंकि आई एम नॉट फैमिलियर विद द नेम्स, आई एम फैमिलियर विद द प्लेसेस। यहाँ पर तो पहले भी चक्कर लगा हुआ है बैम्बू यूनियन में और सेकंड कप, इधर उधर एक और दो तीन जगहें हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। मिस्टर अदनान की रिकमेंडेशन पर आया हूँ मैं, लेट्स सी के क्या होता है। इनका आउटर व्यू तो बड़ा प्यारा दिया हुआ इन्होंने, बड़ा सेक्सी किस्म का गुलबर्ग है ये। नहीं मुझे घर से निकलते हुए कह रहा था माल रोड माल रोड माल रोड जाना है, इसके अपने रास्ते ख़राब हैं। सॉरी आई एम मालूम। यार देखा जाए तो इसका सीटिंग अरेंजमेंट भी ज़बरदस्त किस्म का है। मतलब लाइट्स वगैरह ओवरऑल सेक्सी, इट इज़ ब्यूटीफुल। हमारा रेड सॉस पास्ता एंड ये है यहाँ का स्पेशल पिज्ज़ा। ये केचप लग रही है, केचप ही है। यार ये पिज़्ज़े की लुक तो बहुत ही सेक्सी किस्म की लग रही है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें बीफ है, चिकन है, पेपरोनी है, चेडर चीज़,
मोज़रेला चीज़, काफ़ी कुछ मिक्स किया वैन। कितनी थिन किस्म की इसकी क्रस्ट है, क्योंकि देख के मज़ा आ रहा है, अब तो खा के पता चलेगा ये क्या चीज़ है। एंड दूसरी डिश हमने मंगवाई भी है पास्ता, ठीक है, रेड सॉस वाला, सो इसको भी ट्राई करते हैं। लेकिन पहले हम पिज़्ज़े से स्टार्टअप लेते हैं अपना। चिकन के क्यूब्स पड़े हुए हैं, बड़े कोई सेक्सी किस्म का व्यू आ रहा है इसमें। वेरी यूनिक टेस्ट है, अंदर चिकन भी है, बीफ भी मिक्स है, मज़ेदार है, यूनिक सा है थोड़ा। अगर तो बात की जाए पास्ते की तो बड़े डिलीशियस किस्म का लग रहा है ये। इसके साथ इन्होंने एक ब्रेड का एक पीस सा दिया हुआ है जिसके ऊपर थोड़े तिल लगे हुए हैं, एंड काफ़ी रस्मी सा पास्ता लग रहा है। इसमें भी हमें पीनट्स नज़र आ रहे हैं, चिकन है, एंड काफ़ी जूसी जूसी किस्म का है ना, चिलीज, टमाटोज, चीज़ वगैरह। हाँ, मज़ेदार लग रहा है, लेट्स ट्राई इट। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार है, मतलब कि जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं ना सारे के सारे, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। अदनार, आई लाइक इट, यही, यानी कि आप 10 में से आराम से इसको 7 दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार पता है क्या चीज़ थी? पिज़्ज़ा। मैं सोच रहा हूँ कि एक और ऑर्डर करें, पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार था, बहुत ही तबाही का टेस्ट है पिज़्ज़े का, बहुत ज़्यादा तबाही का टेस्ट है। पिज़्ज़ा एक और बनता है, ये तो 3-4 स्लाइस ही हैं, ये तो मैं अकेले ही खा जाऊँगा। एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग फ्लेवर ट्राई करते हैं, क्या कहते हो? फर्स्ट टाइम आए हैं, इनके ये दो फ्लेवर अच्छे लगे हैं तो और भी अच्छे होंगे। ये इतना कोई मज़ेदार लगा है कि हमने इसका एक और ऑर्डर किया था, एंड ना खाने की वजह से ना इसको पैक करा लिए, घर जाके खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए, खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। कुवैत का झंडा नहीं है, बाकी सारी लगाए हुए हैं इन्होंने। हॉट चॉकलेट है ये, कैरमल, कैरमल। Looks good. Harakat, huh? Shaguf. Interior तो यार बड़ा cozy and classic दिया हुआ है ना। Hey. And cold coffee they put like this. Caramel latte. Getting ready. Election, huh? Hey, it's
इट्स रेडी. La Mu hot chocolate. This is the caramel Spanish latte. हॉट चॉकलेट मीरबा में. शुभ सिंह, थैंक यू. लाइक ये लोकेशन आ गया. हाय हाय, भाई मज़ेदार किस्म का टेस्ट है यार. चस आ गई है, मतलब दूध चॉकलेट और पता नहीं कोई बिस्किट डाला हुआ है एंड पता नहीं कैसे बनती है. वीडियो बनाने की तो मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन मज़ेदार है. लव्ड इट. थोड़ी सी लाइटें भी ट्राई करके चेक करते हैं कैसी है. मुंह से बाहर आ गई इतनी अच्छी नहीं यार, अच्छी है, टेस्टी है, मजेदार है. हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा. करता हूँ, आप लोगों को मजा आया होगा यार. खाना छाना हो गया है, सारा कुछ हो गया है. इंशाल्लाह अभी कल दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. फी मानिल्ला, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. अपना ख्याल रखें.